को बेटा, तुम्हारे बाप और भाई ईद की बधाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो। तुझे ईद मुबारक हो बेटा। अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर और बरादरान मुख्तरिम हर साल ये तकलीफ फरमाते हैं, शुक्रिया। जीती रहो बेटा। आंखें निदों के खजाने हैं, दौलत के पैमाने हैं, ज़ुल्फ़ें रातों की जवानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। आंखें नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं, नींदों के खजाने हैं, दो उल्फत के पैमाने हैं, जुल्फे रातों की जवानी, जुल्फे रातों की जवानी, सपनों की रानी। माथे पे चांद तर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए, माथे पे चांद उतर आए, होठों पे भंवरा मंडलाए, मुखला फूलों की कहानी, मुखला फूलों की कहानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। सांचे में धरी है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके, सांचे में धरी है हर दिल के, हाँ पलटे ना निगाहें फिर मिलके, पत्थर का जिगर हो पानी, पत्थर का जिगर हो पानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। चुप हो तो उदासी दसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है, चुप हो तो उदासी डसती है, हंस दे तो खुदाई हंसती है, बोले तो फिजा नूरानी, बोले तो फिजा नूरानी, सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। मासूम बच्ची की बदनामी हो रही है, राजपूती आन का गला घोटा जा रहा है, और हम है कि खामोश बैठे हैं। तो फिर इस बदनामी से बचने के लिए आपने क्या सोचा है? अब जिस कदर जल्द हो सके रूही की शादी कर दी जाए। शादी? रूही की शादी? Thank you.
बादल आया झूमके मस्त उमंगे लहराई है रंगी मुखड़ा झूमके गुंचा महका बुलबुल चहका गुंचा महका बुलबुल चहका नाचे भंवरा बताया गया है कि तुम अमन अमान की जिंदगी से उकता कर अपनी हवेली को कत्ल खून का मरकज बना रहे हो। अगर ये सच है तो माँ बदौलत इस बदमनी का सबब पूछते। इसका सबब गुलाम का हारा हुआ एक कौल है जहां पना, वो कौल जो ज्वाला सिंह ने अपने मरहूम दोस्त मिर्जा दिलावर बेग की इकलौती बेटी रूही की हिफाजत के लिए दे रखा था। रूही तो क्या ये वही रूही है जो एक शायर के गीत बन बनकर हिंदुस्तान के हर नौजवान के दिल में धड़कन पैदा कर रही है? जहां पना और उसी दीवाने शायर सुहेल के सबब मेरे पांचों बेटे अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सबसे उतर गए। मगर हमें समझाओ कि तुम्हारी हद दर्जा हिफाजत के बावजूद भी रूही सारे हिंदुस्तान की दिलचस्पी का सबब कैसे बन गई? क्या तुमने उसे पर्दे में नहीं रखा? रूही मेरे धर्म की लाज और माथे का तिलक है क़िबले आलम, वो जू जू जवान होती गई मैं अपने घर की दीवारों को बुलंद करता गया, और मेरे बस में होता तो उन दीवारों को आसमान से जा मिलाता। मगर इस पर भी न जाने क्यों कर उस बदलगाम सुहेल ने रूही को देख लिया और उसे बदनाम कर दिया, बहुत महंगा कर दिया रूही को हमारे लिए। अगर रूही आलिम शबाब में पहुंच गई थी तो तुमने उसकी शादी किसी मुनासिब जगह क्यों न कर दी? गुलाम ने जब कभी रूही को ब्याहने का इंतजाम किया लोग हुजूम दर हुजूम होकर बारात पर टूट पड़े, और उसकी हिफाजत में हर बार मुझे अपने एक बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। क्या वो इस दर्जा हसीन है कि हर दिल में उसकी आरजू और हर सर में उसका सौदा समा गया है? इजाजत हो आलीजा के ज्वाला सिंह खामोश रहे, क्योंकि इस तरह रूही के हुस्न का तस्करा मेरी जबान पर आ जाएगा, और एक गैरतमंद बाप को किसी तरह नहीं जचता कि वो अपनी बेटी की खूबसूरती बयान करे। फिर मैंने भी सिर्फ चांदनी महसूस की है, चांद को आज तक नहीं देखा। क्या मतलब? जहां बना पुजारी लक्ष्मी के चरणों में सर झुकाते समय चेहरे पर नजर नहीं डालता, रूही जू जू जवान होती गई मैंने भी उसे पैरों से ऊपर कभी निगाह उठाकर नहीं देखा। जजाक अल्लाह। ऐ राजपूत, तुम्हें साहिब करां का सलाम पहुंचे। मुबारक हो हिंदुस्तान को
और उस कौम को जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। क्या ठिकाना है इस पाकीजगी और अजमत का। माँ बदौलत तुम जैसे जानिसार को मसाहिब खास बनने का शर्त बख्शते हैं और तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए भी गौर फरमाने का वादा करते हैं। जाकुदा, आज जो तुमने गीत सुनाया वो सिर्फ शायरी है या हकीकत? हकीकत है मलका आलम। रूही और सुहेल के इश्क के चर्चे तो घर घर में हो रही है और ये मशहूर है कि रूही के पास नहायत खतरनाक हुक्म है। और ये सुहेल कौन है? एक शायर जिसके रस भरे गीतों ने उसे इतनी शोहरत दी है कि आज रूही का हुस्न हर नौजवान के दिल की धड़कन बन गया है। दौलत बना, अजमत बना, आली जा, बाला जा, जिल्लल्ला, सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी शहंशाह हिंदुस्तान, साहिब करान साहिब करान साहिब करान। तस्लीम सायदा रहीम। तस्लीम बानो रहीम। सायदा रहीम आज कुछ परेशान नजर आते हैं। मुमताज, आज हमने एक बदनसीब हसीना की दर्द भरी कहानी सुनी है। क्या हसीन होना जुर्म है, गुनाह है? कौन कहता है सरताज? सूरत और सीरत तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मगर ये नेमत एक शरीफ घराने की तबाही का सबब बन गई है। पांच पांच मुंह बोले भाइयों के कुर्बान हो जाने पर भी सरदार ज्वाला सिंह की बेटी रूही आज तक कुंवारी। क्या ये वही रूही है जिसके हुस्न के चर्चे एक दीवाने शायर के गीत बन बनकर फिजा में गूंज रहे हैं? हाँ, ये वही दोशीजा। कहा जाता है कि उसका हुस्न बेपनाह और मशहूर है कि उसका चेहरा हुराने बहिश से ज्यादा मुनव्वर और पाकीजा। और जब कभी उसका बाप उसकी शादी का इंतजाम करता है, रूही के तलबगार लाखों की तादाद में जमा होकर बारात पर हमला कर देते। कुछ तो खून होता है और शादी रुक जाती। बेचारी मुमताज, इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। हमारी राय है कि हजूर सुल्तान रुश को अपनी हिफाजत में ले ले और किसी मुनासिब जगह उसकी शादी का इंतजाम फरमाए। फिर किसमें इतना हौसला होगा कि जिल्ले सुभाने की मर्जी से बगावत करे? मुमताज, तुम बेहतरीन बीवी भी हो और बेहतरीन सलाहकार भी। हम तुम्हारी राय से इत्तफाक करते हैं। रूही को किलाए मोहल्ला में बुलवा लिया जाए। मलका आलम, मलका आलम, आलिशान मलिका, वो आपत यहाँ ना बुलवाई जाए। वो लड़की अगर इस दर्जा हसीन है तो क्या? तो फिर मलका आलिया बेहतर जानती है कि दुनिया में कोई चीज इतनी जल्द बदल जाने वाली नहीं जितनी मर्द की नजर, और कोई शय इतनी बेकरार नहीं जितनी मर्द की पसंद, और कोई बात इतनी कमजोर नहीं जितनी मर्द की राय औरत के मामले में। तो फिर वो होशरुबा नाजनी कहीं आए बानुए हिंद आपकी और साहिब करा के दरमियान न खड़ी हो जाए। खुदा न करे कोई हुजूर सुल्तान की नजरों को बदल दे और मलका आलिया के करार में गम के कांटे चुभ जाए। लौंडी कुर्बान जाए बानुए हिंद, ये खतरनाक मशवरा वापस ले लीजिए। गुस्ताख नीज, गोया तूने ये कहा कि हिंदुस्तान के जलीलुल कद्र बादशाह की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी निगाहें बेईमान हो सकती हैं और उसके मर्तबे में झोल पड़ सकता है।
गोया तूने ये इतराज किया है कि रियाया की इज्जत आबरू का निगेबान पाकीजा दिल और दिमाग नहीं रखता। तूने खुले तौर पर बादशाह की शान पर हमला किया है और गुस्ताखी की है और तूने कहा है कि शहनशाह हिंदुस्तान का मिजाज छोरा है। तूने मुमताज उज़्ज़मानी और शाहजहां की गैरफानी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और समझ लिया है कि मुमताज उज़्ज़मानी एक मामूली चीज है। अब वो लड़की इस महल में जरूर बुलवाई जाएगी। शाताओं को केवल उसे इस दर्जा संवारे इस कदर सजाएं कि फरिश्ते भी आसमानों से झांकने लगे। मलका आलम, और अब तुम जा सकती हो। अमशीरा अजीज,
हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ है कि हमारी खुशनसीब बहन हुजूर साहिब करान के इस्तकलाल का इम्तिहान चाहती है। इरादे से बाज आ जाओ अजीजा। बाजी मलिका बाज आ जाओ। मुमताज मेरी लाडली बच्ची, ये हम क्यों सुन रहे हैं कि तुम यस्सर इत्मीनानों से उकता गई हो? खूबी किस्मत पर खुदा का शुक्र बजा लाओ अजीजा, तुम ताजदार हिंद की राहत में खलल डाल दोगी एक दूसरे की हिमायत से। तो बिरादरे मोहतरम, गोया सभी का ये ख्याल है कि रूही को देखकर साहब करां की नजरें बहक जाएंगी और शाहजहां की मुमताज से मशहूर वफादारी एक मुसलसल फरेब है। खुदा न करे ये फरेब, और अगर नसीबे दुश्मना फरेब हो भी तो बात फरेब है जाने बिरादर, दिल फरेब होते हैं। तो फिर मुमताज गम खाने के लिए तैयार है, फरेब खाने के लिए तैयार नहीं। मलका आलिया, मलका आलिया, रूही पर सवर कर नूर के सांचे में ढल गई है, अब वो एक तड़पती हुई बिजली है जो किसी के खिरमन हयात पर गिरा चाहती है। हम मुलाहजा फरमाएंगे। मुमताज, मुमताज बाजी, रूही तुम सचमुच सरापा नूर हो, राहत हुई तुम्हें देखकर। कनी सादा बजा लाती। आओ मेरे साथ। जिले सुभाने के इस्तकबाल के लिए तुम्हें यहीं ठहरना होगा। फिर ऐसा खतरनाक इम्तहान क्यों है बाजी मलिका? देखना चाहती है मुमताज उस जमाने कि आज कोई अजूबा, कोई मोजिजा मुमताज की तरफ बढ़ते हुए साहिब करां के कदमों को डगमगा सकता है या नहीं। खुदा न करे, मगर बेटा फिर भी वो इंसान ही का कदम है, शायद डगमगा जाए तो फिर वो साहिब करां का डगमगाया हुआ कदम जमीन पर नहीं मुमताज की गर्दन पर पड़ेगा। शौकत पना, दौलत पना, अजमत पना, इलाही खैर। बाजी मलिका लिल्लाह बाज आ जाओ। नहीं, अब सितारों को टकराने दो, आज हम इसी पर मचल गए। खैर हो यार, मालिक दो जहां किब्रियाई के सबके लिल्लाह, कोई संभाले। मुमताज जमानी, मुमताज। तस्लीम ताजदार रही। तस्लीम बानो हिंद, हम घबरा गए थे अपनी मुमताज को निगाहों से ओझल देख। मुबारक 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 मुबारक। ये शोरे मुबारक क्या था? इसलिए कि सहत करा के पाए मुबारक आखिर जमीन ही पर पड़े, मुमताज की गर्दन पर नहीं। समझे नहीं? आज एक बेहद हसीन दोशीजा शाहजहां मुमताज के दरमियान खड़ी कर दी गई थी,
सबका ख्याल था कि उसे देखते ही सहत करा के कदम डगमगा जाएंगे, लेकिन मुमताज का ईमान था कि चाहे मुकाबल में हूर उतर आए, शाहजहां की बदही रफ्तार में से कोई कदम ओछा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मुमताज का शाहजहां की पाकबाजी पर ईमान है तो इम्तिहान कैसा? मकसूद ये था कि लोग भी देखें और यकीन करें कि मुमताज का ईमान किस दर्जा मजबूत है। रूही मुजरे को पेश हूं। कनी साहब करा के हुजूर में मुझसे करती है। सलामत बाश, माशाल्लाह लड़की, तू वाकई खूबसूरती का एक शाहकार है। मसरत हुई तुझे देखकर, कुछ तलब कर। कनी सिर्फ वापस जाने की इजाजत चाहती है। वजह? ये हकीर लौंडी जिस खिदमत के लिए बुलाई गई थी वो तो अंजाम पा चुकी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इस नाचीज की जिल्लत से आज मलिका आलिया की शान दुबाला हो गई। अजीजा तुम्हें धोखा हुआ है, यकीन करो कि यहाँ औरतों का बांसपन नहीं परखा जाता, बल्कि साबित ये करना था कि वो शहनशाह जो रियाया की इज्जत व आबरू का निगेबान है, उसके ख्यालात आवारा नहीं। क्या तुम अपने बादशाह के इस्तकलाल से खुश नहीं? खुश हूँ मलिका आलम, और अगर किसी वजह से तुम्हारी दिल शिकनी हुई है तो हमें अफसोस है। हम इसके सिले में अपनी वसी सल्तनत से चुनकर तुम्हें एक बेहतरीन शरीक हयात अता फरमाएंगे। आओ मेरे साथ। ये तुम्हारा महल है, ये खादमाएं तुम्हें किस्से और कहानियां सुनाएंगे, ये दिलकश नगमे सुनाएंगे, ये हुसल दिलाएंगे, ये सिंगार कराएंगे, ये रात को सुलाएंगे, और ये सुबह मीठे सांस बजाकर नींद से जगाएंगे, और ये हमारी खास कनीज जासूजा, दूर अंदेश और समझदार जासूजा, आज हम से भी तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर करते हैं। आलीशान मलिका, बंदी की सभा से इन इनायतों का शुक्रिया अदा करे। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो हमारी मेहरबानियों की इब्तदा है। जनाब का नाम? अमीर अली ईसा बिन मर्दान शिराजी। वतन? ईरान। हिंदुस्तान में आने का सबब? शाही मुलाकात। शाही मुलाकात? रवानगी? कल सुबह। कल सुबह? आज रात आप यहीं आराम फरमाएंगे। कोई और खिदमत? शख्स, हिंदुस्तान के अजायबात और मशहूर चीजें क्या हैं? कहते हैं पहले तो यहाँ कुतुब मीनार, अशोक की लाश, कौरव पांडव का किला, बनारस के घाट, लखनऊ की ककड़ियां, बरेली का सुरमा, हापड़ के पापड़ बहुत मशहूर थे, मगर कहते हैं कि अब तो सिर्फ एक चीज है जो बहुत मशहूर है। वो क्या? वो क्या? कहते हैं बरस 15 या के 16 का दिन जवानी की रातें मुरादों के दिन। क्या ये किसी दवा का नाम है? नहीं जनाब, ये तारीफ है रूही नामी फितने रोजगार की। रूही? क्या ये वही रूही है जिसके चर्चे हिंदुस्तान की सरहद से लेकर यहां तक सुनता रहा हूं? बेशक, ये वही रूही है जिसके कयामत के हुस्न ने एक हश बपा कर रखा है नौजवानों के दिलों में।
कहते हैं वो बला की हसीर है, उसके जलवे, उसका शबाब, उसकी मस्ती, कहते हैं दुहाई है दुहाई। ये बेशुमार अर्जियां रूही के तलबगारों ने सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में गुजारी हैं। इन्हें पढ़कर मालूम होता है कि हर उम्मीदवार हुजूर साहिब करां की निगाह करम का मोहताज। रूही एक और तालिब लाखों, वो सिर्फ उस शख्स के हवाले की जाएगी जो उसके अहल होगा। ऐलान कर दिया जाए कि बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब तमाम उम्मीदवार हाजिर हुजूर हों। जिल्ले सुभानी। पना ये मजमा, ये हुजूम, महल में गोया एक चिराग रोशन है और परवाने हैं कि उमड़े चले आते हैं। अब मैदान में तिल भरने की भी जगह नहीं रही, जैसे कि सारी दुनिया की आबादी अलवेली तेरे झरोके के नीचे सिमट आई है। जरा उठकर तो देख ले गुलबदन, दुनिया की मुश्ताक निगाहें तुझे एक झलक देखने के लिए बेताब हो रही है। सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी शहंशाह हिंदुस्तान साहिब करान साहिब करान। लो वो हुजूर सुल्तान के रूप में इन आशिकों की तकदीर चली। आज वक्त का सबसे बड़ा जौहरी इस अनमोल रतन का खरीदार ढूंढने निकला है। किस कदर हजूम है। बादब बामुलाहिदा होशियार ताजदार हिंद सुल्तान मुअज्जम हुजूर जिल्ले सुभानी साहिब करान सानी तुमसे मुखातिब होते हैं। शरीफो, रूही के लिए मुनासिब शोहर का इंतखाब करने से पहले माँ बदौलत ये जानना जरूरी समझते हैं कि उसके लिए सबसे ज्यादा आर्जुमंद कौन है और किसके इश्क में बला की कशिश और ताकत जो कुदरत के इस हसीन शाहकार के लिए एक ऐसी चीज, एक ऐसा माहौल, एक ऐसी फिजा, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जन्नत मुहैया करे कि जिसमें रूही को खुशहाल देखकर हर शख्स बेख्तियार पुकार उठे, अगर फिर दौस बर रुए जमीन हमीन तो हमीन तो हमीन। जन्नत 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 जमीन पर जन्नत, ये इंसान के बस की बात नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नहीं नामुमकिन। अल्लाह, ये लोग किस गलत फहमी में मुब्तिला हो गए। वो मुकद्दस जन्नत भला कौन बना सकता है। दरअसल ये लोग जहां बना के इशारे को नहीं समझे, ना समझ है ना दान है। इस इशारे से हमारा मकसद सिर्फ इम्तिहान है मुमताज, वरना हर मोहब्बत करने वाले का घर महबूब के लिए जन्नत, खा वो शाहजहां का महल हो या फकीर का झोंपड़ा। ये नामुमकिन शर्त सुनकर वो पथरा कर रह गए हैं, गोया गम का पहाड़ टूट पड़ा है उन पर, दिल टूटे हुए, सीने बैठे हुए, कंधे झुके हुए, वो अपनी तमन्नाओं के जनाजे वापस लिए जा रहे हैं, सफर टूटी जा रही है, हुजूम कम होता जा रहा है, अब वो हजारों में सिर्फ चंद रह गए हैं। साहब करान वो मायूस हो गए हैं, उनमें कस बल नहीं, वो वापस जा रहे हैं, उनमें मोहब्बत नहीं। मैदान खाली हो गया, बदनसीब रूही। इस नामुमकिन शर्त का मतलब यह है रूही
कि तू जमाने भर के दिलों से छीन ली जाए, क्योंकि ऐ खुशनसीब हसीना, अब दुनिया का सबसे शानदार दिल तेरे लिए धड़कना चाहता है। तुझे मुबारक हो, और गवाह रहना कि हिंदुस्तान की होने वाली मलका के कदमों में सबसे पहले जाफिजा अपना सर झुकाती है। जाफिजा, बेशक तू मलिका बनाई जाएगी, क्योंकि न जन्नत किसी से बन सकती है और न रूही किसी गैर की होकर महल से निकल सकती है। खामोश गुस्ताख कनी। वो आखिरी सफ में कौन रह गया है? क्या उसने हमारी शर्त नहीं सुनी? ऐ शख, क्या तुम शर्त पूरी करने का इरादा रखते हो? बेशक। इसे हमारे हुजूर में पेश किया जाए। जानी से अपना तारु कराओ। आली जा, वो मेरे ही अल्फाज हैं जो रूही का हुस्न बनकर तमाम दुनिया में मशहूर है, और वो मेरी ही फरियाद है जो इश्क के गीतों में ढल ढल कर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दे रही है। मैं ही इस किस्से का आगाज हूँ और मैं ही इस कहानी का अंजाम बनूंगा। मैंने ही सबसे पहले हुस्न की चौखट पर अपना सर झुकाया था, और आज मैं ही इश्क के घुमंड में रूही के लिए जन्नत बनाने का दावा करता हूँ। मेरा नाम सुहेल बिन अब्बास करमानी है। ऐ मोहब्बत के परस्तार साहिब खाना, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे इरादे की दाद देते हैं। तुम्हारा यह जज्बा इश्क यकीनन रूही की खातिर वैसे ही जन्नत मुहैया कर सकता है जैसी कि हमारे तसव्वुर में। हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। शुक्रिया बंदगाने आली। गुलाम चांद और सितारे भी नोच कर ढेर कर सकता है रूही कदमों पर। मेरी बेपाया मोहब्बत अपना चश्मा दिखाने के लिए बेताब है। बेहतर, तीन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। आज से एक साल तक रूही हमारे पास तुम्हारी अमानत है, और इसके लिए हमारा वादा ही तुम्हारा गवाह है। लेकिन याद रहे कि एक साल के बाद अगर तुम अपने दावे को पूरा न कर सके तो फिर कोई उज्र, कोई हीला बहाना तुम्हारे काम ना आएगा, और तुम हमारे गजब और इताब का निशाना बनोगे। बस जाओ और किस्मत आजमाई करो। शुक्रिया। मलिका साहिब कुरान के रुतबे की कसम, रूही की तकदीर बहुत जल्द गुस्ताख होकर बानुए हिंद के नसीब से टकरा जाने वाली है, और उस खौफनाक टक्कर से मेरी भोली मलिका जमीन और आसमान हिल जाएंगे। मैं आज यकीन से कह सकती हूँ कि साहिब कुरान के दिल में रूही के जुल्फों की स्याही फैल गई है, और उनकी ईमानदार तबीयत रूही के खतरनाक हुस्न की कायल हो चुकी है। मुगल तख्त का वारिस उस होशरुबा नाज़नी की मकनाती सी निगाहों में पूरी तरह उलट गया है, और अब कोई दम में हिंदुस्तान का शानदार तख्त एक हकीर तख्ता बनकर उलटने वाला है। मैं वफादारी के जोश में बेअदब हो गई हूँ, इसलिए अब शौक से मेरा सीना चीर दिया जाए, क्योंकि मैं हुजूर सुल्तान को सिर्फ इंसान ही समझती हूँ, फरिश्ता नहीं। कमबख्त, ये कह के सूरज आसमान से टूट कर जमीन पर गिर पड़ा, ये कह के पथरीली चट्टानों में लोच आ गई, ये कह के बर्फ की सिले सुलग कर आग के शोले बन गई, तो हम एक बार यकीन कर लेंगे। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि मुमताज जमाने को इस पर एतबार आ जाए कि हजूर साहब करा के इस्तकलाल में जुम्बिश आ गई। चली जा ओ गुस्ताख कनीस, एक बार फिर हमने तेरा कसूर माफ किया, क्योंकि हम जानते हैं तू बेवकूफ है, बेईमान नहीं। मेरे भोले मलिका, इस यतीम लड़की की शादी के लिए खजाना शाही से 1000 अशरफियां दे दी जाएं। हुक्म हुजूर हो तो ज्वाला सिंह रूही को वापस ले जाए। वजह सबब? जहां पना गुलाम बच्चे के भरपूर वार को अपनी बूढ़ी छाती पर सहन कर सकता है, मगर नहीं देख सकता रूही को परेशान हालत में। वो तन्हाई और सुकून में पली हुई महल की चहल पहल और हंगामों से घबरा गई है। तुम्हारी यह दरखास्त मंजूर नहीं फरमाई जा सकती ज्वाला सिंह। रूही माँ बदौलत के पास 1 साल के लिए सुहेल की अमानत। हुजूर सुल्तान एक दीवाने शायर का एतबार फरमा रहे हैं, मगर अब माँ बदौलत को अपने कौल के मुताबिक सुहेल का इंतजार करना ही होगा। जिंदाबाद बंदगाने आली, बायंदाबाद बारगाह अजमत बनाई, ईरान का मशहूर कारीगर
अमीर अली ईसा बिन मर्दान फिराजी शाही इमारत बनाने के लिए दर दौलत पर हाजिर है। बेटो ये बारगाहे खुदा वंदे नेमत है। एहतराम एहतराम एहतराम। ऐ शिराजी, माँ बदौलत अपनी गरीब रियाया के लिए रोजगार मुहैया करने की खातिर हिंदुस्तान में चंद ऐसी आलीशान इमारतें तामीर कराना चाहते हैं जो मुगल सल्तनत की गैर फानी यादगार बन जाएं। मगर ये अजीम शान काम सुपुर्द करने से पहले माँ बदौलत तुम्हारे बेहतरीन कारीगर होने का सबूत चाहते हैं। जिल्ले सुभानी, गुलाम का दावा है कि उसकी आंख इतनी तेज, उसका तखयल इतना जबरदस्त और उसका क्याफा इस कदर सही और दुरुस्त है कि वो अपने फन का एक अजीब और गरीब सबूत पेश कर सकता है। अगर किसी अजनबी इंसान या अनदेखी हस्ती का सिर्फ हाथ देखने का मौका अता फरमाया जाए, इसकी वजह सिर्फ इसलिए कि गुलाम जिल्ले सुभानी को यकीन दिला सके कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर है। और ये दावा है कि मेरे कमाल को देखकर सुल्तान आलम, मलका मौजमा और दरबार आली का हर फर्द मैं वह हैरत रह जाएगा। हम तुम्हारे कमाल का सबूत जरूर देखना चाहते हैं, मगर हाथ देखने का सबब हमारी समझ में नहीं आया। गुलाम हाथ देखने का सबब तो बयान कर सकता है, लेकिन जहां पना की दिलचस्पी और इश्तियाक खत्म हो जाएगा। अगर नागवार खातिर न हो तो गुलाम को इस वक्त खामोश रहने की इजाजत अता फरमाई जाए। बेहतर, हम तुम्हें मजबूर न करेंगे और इस मामले पर गौर फरमाएंगे। शुक्रिया बंदेगाने आली। शिराजी का दावा है कि वो अपने कमाल का बेहतरीन सबूत पेश कर सकता है। अगर हम उसे किसी अजनबी इंसान के हाथ देखने और पसंद करने का मौका अता फरमाएं, हम उसकी आजमाइश लेना चाहते हैं। मुमताज, आजमाइश यूं ली जाए कि एक ही वजह कथा के बहुत से कंगन शिराजी के सामने रख दिए जाएं, जिनमें सिर्फ एक कंगन पर शाही निशान पोशीदा तौर पर खुदा हुआ हो। फिर खादमाएं पर्दे के पीछे से बारी बारी अपने अपने हाथ बाहर निकालें। शिराजी को जिस खादमा का हाथ पसंद आए उसमें वो खास निशान वाला कंगन पहना दे और बाकी कंगन दूसरे हाथों में। इस तरह किसी को भी मालूम ना होगा कि खास निशान वाला कंगन किसके हाथ में है। तजवीज नहायत माकूल है मुमताज जमानी, हम ऐसा ही करेंगे। शिराजी, तुम इन जानिब को किसी उलझन में न डाल दो, इसलिए माँ बदौलत ने यह फैसला फरमाया है कि तुम्हें सिर्फ एक हाथ दिखाने की बजाय बहुत से हाथ दिखाए जाएं और तुम उनमें से किसी एक का इंतखाब करो। बहुत बेहतर सुल्तान आलम। और तुम्हारे कयाफे को परखने के लिए हमने ये इंतजाम फरमाया है कि तुम जिस हाथ को पसंद करो उसमें ये निशान वाला खास कंगन पहना दो और बाकी कंगन दूसरे हाथों में, ताकि तुम्हारे इम्तिहान के बाद हम ये देख सकें कि निशान वाला कंगन किस हाथ में है और इससे तुम्हारे दावे को क्या ताल्लुक। गुलाम इसके लिए भी तैयार है जिले सुभानी, लेकिन एक गुजारिश बयान करो। अगर गुलाम अपने फन का कमाल पेश करने में कामयाब हो जाए तो अजराहे करम बाद इम्तिहान इंतखाब शुदा हाथ गुलामी के हाथ में दे दिया जाए। बेहतर, तुम्हारी ये दरखास्त इन जानिब को मंजूर है। अगर तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो हम वादा करते हैं कि उसे तुम्हारे निकाह में दे देंगे, कंगन पहनाए जाए। शिराजी रूही का हाथ इंतखाब कर ले तो यह खतरा महल से बहुत जल्द दूर हो सकता है। शिराजी हिंदुस्तान की दोषीदा लड़कियों की किस्मत का हाल बताने आया है। खुश नसीब लड़कियों के हाथ में वो कंगन डाल देता है। चल आप तो भी किस्मत आजमाई कर, वो एक बेमिसाल इंसान है।
कंगन पहनाए जा चुके आलीजा। बेहतर, यहीं जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। शुक्रिया। जासिजा कहते हैं, मैं महल की खास कनीज हूँ। यहाँ आने का सबब? आपने जो अजीमुशान बीड़ा उठाया है, मैं उसकी मुबारकबाद देने आई हूँ। खुदा आपको कामयाब करे, इसे कबूल फरमाए। शुक्रिया। शुक्रिया। Thank you.
लेकिन ये रातें तुझे गुदगुदाएंगी, लेकिन ये आंखें तेरी मुस्कुराएंगी, लेकिन अगर ये खलिश अपने दिल में बसा ले, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले जमाने के दामन को रंगी बना ले। बियाबा भी है गुलशिता दिल के हाथों, ये दुनिया है दुनिया यहाँ दिल के हाथों। बियाबा भी है गुलशिता दिल के हाथों, ये दुनिया है दुनिया यहाँ दिल के हाथों। बहुत है अगर दो घड़ी मुस्कुरा ले, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले मोहब्बत की तोहमत, उठा ले जवानी के दामन को रंगी बना ले। जवानी तो है एक शैल जाने, बनाती है उल्फत से गैर पानी। जवानी तो है एक शैल जाने, बनाती है उल्फत से गैर पानी। गाए जाओ। रूही मासूम अदाओं की अलबेली पुतली, कसम है मुझे तेरे रुखे अनवर की, तू शिराजी के दिल की धड़कन बन गई है। तुझे मुबारक हो, उसने हुबहू तेरा ही मुजस्मा तराश डाला है और अब इश्क मजबूर होकर हुस्न के कदमों में झुका बैठा है। चल और उसे बामुराद कर दे। कोई मजबूर किसी को क्या बामुराद करेगा, मैं तन्हाई चाहती हूँ। इश्क की पहली मंजिल तन्हाई थी, वो तय हो चुकी, दूसरी मंजिल मुलाकात है, कदम उसमें रखना चाहिए। चल मैं तेरी रहबरी करती हूँ। मंजिले इश्क में रख पड़ के कदम बिस्मिल्लाह, यही जन्नत है के दो दिन हो बहम बिस्मिल्लाह। वो देख तेरा लासाने हुस्न पत्थर में ढलकर नकाब पोश है, एक झलक देखेगी। कौन है कमरे में?
तुम? जी। मेरी इजाजत के बगैर आधी रात गए मेरी अमलगाह में आने का सबब? कुछ नहीं कुछ नहीं, सुनो तो, सुन तो लो, हम इस मुजस्मे की एक झलक देखकर चले जाएंगे। नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। इस नकाब के आड़ में शिराजी की अमानत, हुजूर साहब पनाह का वादा और मेरे फन का कमाल पोशीदा है। मेरी इज्जत, मेरी गैरत, मेरी हमियत ये हरगिज हरगिज गवारा नहीं कर सकती कि दुनिया की कोई हस्ती वक्त मुकर्रा से पहले इसकी एक झलक भी देख सके। मोहतरम खातून, आपको एक नामहरम की अमलगाह में बगैर सोचे समझे कदम नहीं रखना चाहिए था। दुनिया की गुमराह निगाहें आपको बदनाम कर देंगी। वापस तशरीफ ले जाइए। कितना गैरतमंद, कितना हयादार, किस कदर शरीफ और उसूलों का पाबंद इंसान है शिराजी, वो काबिले प्रस्तुश है। आधी रात गए कौन गा रहा था? कोई चोट खाया हुआ दिल मालूम होता है, जिसे नींद नहीं आती। रूही सुहेल को इनायत संभाली जाए आलम पना,
आज गुलाम की बेपाया मोहब्बत अपना करिश्मा दिखाने में कामयाब हो गई। तो गोया तुमने रूही के लिए वो चीज बना डाली जिसका हमें इंतजार था। आलम पनाह, किला मुल्ला के सामने खुले मैदान में माँ बदौलत मुलाहिजा फरमाएंगे। बसर चश्म आली जा, इजाजत हो तो चलते चलते गुलाम अपनी जन्नत की तारीफ पे चंद अशार भी अर्ज करे। इजाजत। कर लीजिए चल कर मेरी जन्नत के नजारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। फूलों से लिया रंग सितारों से उजाला, हर चीज को एक नूर के सांचे में है ढाला। इस ख्वाब की बस्ती का फलक है न जमी है, इस हुस्न की दुनिया की हर एक चीज हसी है। रोशन है फिजा और नहीं चांद सितारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। गाती है खुशी नगमे तो हंसता है वहाँ गम, कलियों की हंसी देख के रोती नहीं शबनम। फितरत की जबां पर कहीं मस्ती का फसाना, छेड़ा है खामोशी ने भी पुरकैफ तराना। कुछ सोए तो कुछ जागे हुए मस्त नजारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। अटकेलियां करती हुई चलती है हवाएं, नगमों की है बरसात तो जुल्फों की घटाएं। रंगीन हुई और भी जन्नत की कहानी वो देखिए, वो देखिए झूले पे रूही की जवानी। बेताब किए देते हैं मासूम इशारे, मासूम इशारे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। गुलाम से कुछ गुस्ताखी हुई? बेशक तुमने माँ बदौलत की अक्ल और दिमाग पर अपने अशार की शोबदाबाजी से जादू कर दिया और हमारी निगाहों को धोखे में डाल दिया। इन जानिब की मुराद किसी ख्याली जन्नत से न थी, बल्कि आसूदगी और खुशहाली से भरा हुआ वो घर मकसूद था जिसमें रूही सुख और चैन की जिंदगी बसर कर सके। गुस्ताखी माफ हो जहां पना, हुजूर ने वादा फरमाते वक्त जन्नत की तशरीह नहीं फरमाई थी। सच है हम कायल हो गए सुहेल, अब जमाना तस्लीम करे या ना करे, मगर हमें एतराफ है कि हमने तुम्हारी ख्याली जन्नत में भी रूही को खुशहाल देखा। बस मुनासिब इंतजाम के बाद रूही तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। शुक्रिया बंदगाने आलू। आज शिराजी अपने फन का बेहतरीन कमाल, बेहतरीन सबूत, बेहतरीन नमूना बारगाह खुदावंदी में पेश करने के लिए हाजिर हुआ और यकीन से कहता है कि यह दुनिया के अजायबात में शुमार होगा। हमें मसर्रत हुई अगर वाकई तुम अपने दावे की कसौटी पर पूरे उतरे तो साहिब करां का वादा तुम्हें बामुराद करेगा, सबूत पेश किया जाए। जिल्ले सुभानी, किसी खास मसलियत के बिना पर गुलाम ने सबूत मलका मौसुमा के हुजूर में भिजवा दिया है। माशाल्लाह ऐ शिराजी तुम बहुत दूर अंदेश हो, बानो हिंद को तुम्हारे फन का कमाल देखने का इश्तियाक माँ बदौलत से भी ज्यादा था। ठहरो कि हम भी मुलाहिजा फरमा कर आए और तुम्हारे निकाह में आने वाली खातून को भी अपनी दुआओं से सरफराज फरमाए। नकाब उठाई जाए।
सरासर फरेब है, धोखा है, बेअदबी है, गुस्ताखी है, जुर्म है, गुनाह अजीम है। शिराजी जवाब दो कि तुमने रूही का मुजस्मा किस इरादे से बनाया? जवाब दो कि तुम्हें मजहब के खिलाफ मुजस्मा तराशने की जरूरत कैसे हुई? जवाब दो कि तुमने हमें धोखे में क्यों रखा? क्या तुम नहीं जानते कि मां बदौलत शरा के खिलाफ किसी फेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम इनाम के नहीं सजा के मुस्तहिक हो। गुस्ताखी माफ हो जहां बना, गुलाम अपनी कारीगरी का सबूत इससे बेहतर शक्ल में पेश नहीं कर सकता था। मुजस्मा सिर्फ इस ख्याल से बनाया गया था कि हुजूर सुल्तान पर रोशन हो जाए कि शिराजी दुनिया का अजीब गरीब कारीगर है जो किसी अनदेखी हस्ती को सिर्फ हाथ देखकर अपने तखय्युल की बुलंदी से हूबहू सर से पांव तक इस तरह पत्थर में तराश सकता है कि असल और नकल में तमीज करना दुश्वार हो जाए। खामोश रहो, अगर तुम किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे ना होते तो तुम्हें मालूम हो जाता कि हिंदुस्तान के शहनशाह का आताब किस कदर खौफनाक है। काशदार हिंद के गुलाम अपनी पहली और आखिरी गलती पर रहम की दरख्वास्त करता है। तुम शाही मेहमान हो और हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ आज तक किसी मेहमान का खून नहीं बहाया गया। मां बदौलत मुगल सल्तनत के वकार को तुम्हारे खून से दागदार न करेंगे, इसलिए तुम्हारे जुर्म को माफ फरमाते हैं और हिदायत करते हैं कि आइंदा कभी ऐसी गलती न होने पाए। शुक्रिया बंदगाने आली, गुलाम सरनियाज हम करता है। हम तुम्हारे बेपनाह कारीगर होने का एतराफ जरूर करते हैं, मगर मुजस्मा फौरन बर्बाद कर दिया जाए। बेकरार जो ऐ दिल बेकरार जो, ऐ दिल बेकरार जो, ऐ दिल बेकरार जो। अब रे बहार आ गया, दौरे खिजा चला गया, इश्क मुराद पा गया, उसन की मच रही है रूह। ऐ दिल बेकरार जो, ऐ दिल बेकरार जो, छिटकी हुई है चांदनी, मस्ती में है कली कली, झूम रही है जिंदगी, डूबी हजार बार झूम, है दिल बेकरार झूम। ताब है हुस्न है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है, आरज़ुओं का है हुजूम। ऐ दिल बेकरार क्यों, ऐ दिल बे करार झूम। तेरा नशा तेरा खुमार, अब है बहार की बहार, पी के खुशी में बार बार, तेरे मुगा के हाथ चूम, ऐ दिल बेकरार चूम, ऐ दिल बेकरार चूम, ऐ दिल बेकरार चूम। रूही हमें बताओ कि ये कंगन तुम्हारी कलाई में कैसे आया और कौन कौन इस साजिश में शरीक है? मलिका आलिया मैं कुछ नहीं जानती, मैं
मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। इस कंगन ने तुम्हारी कलाई में आकर हजूर साहब करां को इस चक्कर में डाल दिया। अब खुदा हजूर के दोनों वादों की लाज रखे। जो कुछ हुआ है वो एक जलजले से कम नहीं। कौन है वो गुस्ताख जिसने हमारी अजमत और जलाल से मजाक किया है? रहम, सुल्तानी आलम रहम। तुम डर गई हो, जाओ अपने महल में आराम करो। ताजदार, बात वाकई बिगड़ चुकी है। अब किसी एक के हक में फैसला कर देने से पहले ये लाजिम है कि रूही की तबीयत का रुझान भी देख लिया जाए। अलबत्ता, हम ना इंसाफ ना कहलाएंगे। बानो, हमारी मदद करो। बस सर चश्म। है कामयाब मोहब्बत, ये कली तेरे हुजूर में मुजरा अर्ज करती है और तुझे मुबारकबाद देती है कि तेरे हसीन ख्वाब की ताबीर पूरी होने का वक्त आ गया। किस कदर खुशगवार होगी वो घड़ी जब ये मरमरीन बाहें शिराजी की गर्दन में हमायत होंगी और ये अंबरीन जुल्फे उसके शानों पर लहराएंगी। ऐ काश तूने हुजूर सुल्तान को अपनी तबीयत के रुझान का हाल भी बता दिया होता तो ये फुर्कत की घड़ियां ज्यादा लंबी न होती। वो तेरे दिल का हाल जानना चाहते थे और तू खामोश थी, भला क्यों? मलका आलम ने कनीस को याद फरमाया है। ओ गुस्ताख कनीस, हम जान गए तेरी अयारियां, पहचान गए तेरी मकारियां। वो तू ही है जिसने रूही को कंगन पहनने पर उकसाया, वो तू ही है जिसने ये नया फितना जगाया, वो तू ही है जिसने शहर के मौजूद पर शुभ किया, वो तू ही है जिसने हमें नई मुसीबत में मुबतला किया। बता कि तुझे क्या सजा दी जाए। रहम मलका आलम, खुदा गवाह है मुझे साफ करा की जात से दावत न थी। मैं रूही के हुस्न से डर गई थी। मैं उस सांस लेते हुए खतरे को महल से बाहर निकालना चाहती थी। नहीं जानती थी कि जो कांटा मेरी आंखों में खटक रहा है वो हुजूर सुल्तान और मलका आलिया के दामन में उलझ जाएगा। तेरी वफादारी ने हमें सख्त अजाब में डाल दिया। जब तू जानती थी रूही सुहेल की अमानत है, फिर ये जरूरत क्या थी? मैं। चली जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। आज ताजदार हिंद का रुतबा वकार खतरे में पड़ गया। मुझे उम्मीद है कि सुल्तान मुअज्जम अब कोई कदम ऐसा न उठाएंगे जिससे रूही का बागी दिल हुजूर के असूल से टकरा जाए। मतलब? अभी हुजूर ने फरमाया था कि रूही सुहेल की अमानत है। बेशक, वो उसी की अमानत। हम सुहेल से वादा कर चुके। तो फिर आली कदर ये वादा फौरन वापस ले लीजिए, ये मेरी इल्तजा है। वजह? वो नादान लड़की की उस मंजिल तक पहुंच चुकी है जहाँ से वापसी की उम्मीद नहीं। यानी? वो शिराजी पर जानो दिल से फिदा है। ताज्जुब, हैरत, कदम कदम पर हमारे लिए फांसी गड़ गई। अब रब्बुल इज्जत ही हमारी लाज रखे। एक सूरत है। वो क्या? सुहेल को बड़ी से बड़ी कीमत देकर भी अपना वादा खरीद लिया जाए। नामुमकिन, कतन नामुमकिन। तुम नहीं जानती मुमताज, शायर की फितरत में बगावत होती। हजूर को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। मुमताज, बाज रहो मुमताज, ये हमारे रुतबे और वकार के खिलाफ। रूही भाग, खुदा के लिए जल्दी भाग। तुझे लांछन और तूफान बनकर तेरे सुख महल में आग लगाने आ रहा है। बादशाह हैराम है, मलका शज्जर है। तू शिराजी की हसीन दुनिया से छीनकर जहन्नुम में डाल दी जाएगी। भाग चल, भाग चल, वो दरिंदा दांतों में जहर लिए तुझे डसने आ रहा है। वक्त बर्बाद न कर मेरी गुलबदन, तेरी नाजुक कलाइयों में उस खतरे को रोकने की ताकत नहीं। उठ, जल्दी उठ। शरबत। शिराजी, खुदा के लिए मदद करो। शिराजी, एक मजबूर दोषीदा को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए कुदरत ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बनाया है। चीन, अरब, मिस्र, कातार, ईरान, इसे जहाँ चाहो ले जाओ। हिंदुस्तान की जमीन अब तुम दोनों के लिए सौतेली माँ की गोद बन गई है, जहाँ तुम्हारा रकीब, तुम्हारा हासिब, तुम्हारा दुश्मन सुहेल परवरिश पा रहा है। मौजूद खातून,
हम जानते हैं कि हम जायज तौर पर तुम्हारे हकदार हैं, मगर हमारी शराफत हमें इजाजत नहीं देती कि हुजूर सुल्तान मौजम के एतबार को धोखा दें। खुदा तुम्हारा मददगार हो, वापस लौट जाओ। खुदारा इसे महल में वापस न भेजो, वहाँ सुहेल की परछाइयाँ इसकी ताक में छुपी बैठी है। सुहेल इसका बाल भी पीका नहीं कर सकता। हमें यकीन है कि चाहे रो जमीन का हर फर्द सुहेल बनकर मुकाबले में उतर आए, कामयाबी हमें ही होगी। तशरीफ ले जाइए। पर्दा, दौलत, खिताब, यहाँ तक कि मुगल सल्तनत का जर्रीन तख्त और ताज भी तुम पर निछावर किया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम रूही से दस्तबरदार हो जाओ। वजह? वो तुमसे नफरत करती है। मैं उसे मोहब्बत करना सिखा सकता हूँ। कसम है मुझे अपने अजीम और शान इफलास की, मेरी जबान में बला की ताकत है और मेरे कलाम का जोश आसमानों को जुम्बिश दे सकता है। वो बेहद जिद्दी लड़की है सुहेल, तेरी एक न चलेगी। मेरे बुजुर्ग, आप हिमालय को अपनी जगह से हिला सकते हैं, मगर सुहेल का इरादा नहीं बदल सकते। मैं रूही से ज्यादा जिद्दी हूं, हक मांगता हूं, इंसाफ मांगता हूं, मुगल सल्तनत के सबसे जलीलुल कदर सुल्तान का वादा मांगता हूं। मगर तू रूही को कायल ना कर सकेगा। क्यों ना कर सकूंगा? जो सुहेल साहेब करान जैसी अजीम और शान हस्ती को जन्नत की सैर करा सकता है, वो एक अल्हड़ और नादान लड़की को अपना हम ख्याल भी बना सकता है। मेरा वक्त बर्बाद ना कीजिए। शिराजी की तरफ खींची हुई है और हजूर सुल्तान अपने वादों की लपेट में जकड़े बैठे हैं। किसी एक के हक में फैसला फरमा दीजिए। किसके हक में फैसला फरमाएं? ये सोचने के लिए हमें खिज्र की उम्र आता हो तो भी कम। फैसला शिराजी के हक में ना हुआ तो रूही ना मुराद कहलाएगी। अलमान अलहफीज, ये इनकलाब, ये गर्दिश जमाना, वो मुमताज जिसे हम जिंदगी की रमक, आंखों की जन्नत और दिल का चैन समझे थे, आज हमारे बंधे हुए उसूल से टकराना चाहती है। मैंने तो अपना ख्याल जाहिर किया है। हमें अपने कौल, अपने वादे और अपनी जबान का लिहाज। तो फिर क्या होगा? हम तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर होकर कोई गलत फैसला न कर बैठे और तुम्हारे मशवरे हमारे अदलो इंसाफ से टकरा ना जाए, इसलिए बेहतर होगा कि हम तुम्हारी निगाहों से दूर हो जाए। कोई खतरनाक इरादा मुमताज को भी तबाह कर डालेगा मेरे सरदार। शायद कुदरत को यही मंजूर। अब मुमताज और शाहजहां की मशहूर मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त आ गया। परवरदिगार हमें सुरफरू करे। बानो, हम किसी की हक तलफी करने से पहले आज खुद अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देंगे। कुर्बानी? हाँ, और उस वक्त तक तुमसे जुदा रहेंगे जब तक कुदरत इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी गैबी इमदाद न फरमाए। और अब हम तुमसे अलग होते हैं। मेरे सरताज, खुदा हाफिज। इंसान, दो फजूल और बेमानी हस्तियां, दो सरफिरे दीवाने सुल्तान मुअज्जम और मलिका आलिया की मशहूर मोहब्बत में खलल डाल रहे हैं, मुगल सल्तनत की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। ये जबर, ये खामोशी, ये फाका कशी ताजदार हिंद और बानुए हिंद की जिंदगियां खतरे में डाल देंगी।
हुकूमत का निजाम बिगड़ जाएगा, रियाया बगावत कर देगी, मुल्क में बदमनी फैल जाएगी, कुछ तो खून का बाजार गर्म हो जाएगा। चुप साध ली है, तनहाई अख्तियार कर ली है, उन्हें समझाया जाए, उन्हें मनाया जाए। क़िबला आलम, ज़िल्ले सुभानी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आलम खाना, हजूर साहब करा, प्रजापति, अंदाता, आला हजरत, तखलिया। सुल्तान मुअज़्ज़म की वफादार रियाया, अपने नेक दिल ईमानदार और इंसाफ पसंद बादशाह के हुजूर में ये अर्ज करती है कि वो तन्हाई और खामोशी तोड़कर बानोए हिंद के सुहाग को सलामत रखे। ये इल्तिजा है, ये फरियाद है, ये प्रार्थना है। मलिका मुअज़्ज़मा की खिदमत में उनकी बदनसीब रियाया ये इल्तिजा लेकर आई है कि वो तन्हाई और खामोशी तोड़कर हुजूर साहिब खां की लड़ती हुई जिंदगी को सहारा दें, वरना हिंदुस्तान यतीम हो जाएगा। ये इल्तिजा है, ये फरियाद है, ये प्रार्थना है। मुमताज मेरी लाडली, ये जब ये खामोशी ये फाका कशी तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल देगी। खुदारा उस मासूम बच्चे का ये ख्याल करो जो तुम्हारी गोद को आबाद करने वाला है। तखलिया, बानोए हिंद की गोद आबाद होने का वक्त बिल्कुल करीब है। रियाया का बच्चा बच्चा उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। अब तन्हाई और खामोशी को तोड़ दीजिए क़िबला आलम। तखलिया, तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर ए रूही, सुल्तान मुअज़्ज़म और मलका आलिया की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। वो तुम्हारी सुख और शांति के लिए अपनी मशहूर मोहब्बत की कुर्बानी दे रहे हैं। कसूर तुम्हारा समझा जाता है, इल्जाम तुम पर भरा जाता है। लाडली, अगर तू तारीख के किसी दर्दनाक वाकये का सबब बन गई तो राजपूती आन दो कौड़ी की हो जाएगी। दुनिया कहेगी ज्वाला सिंह ने कितना लाकर महल में छोड़ दिया था। बचा ले, बचा ले तू अपने बूढ़े बाप की आन, बादशाह और मलिका की जान और तख्त ताऊस की शान। अब्बा हुजूर, हुजूर अब्बा, ये आप क्या फरमा रहे हैं? सुल्तान मुअज़्ज़म का वादा तेरे तलबगारों के पास गिरवी पड़ा है। शाही खजाने की दौलत फजूल समझी गई है, फौजी ताकत बेकार हो गई है, अराकीन सल्तनत के दिमाग खोखले हो गए हैं। ये गुत्थी न सुलझी है न सुलझेगी, और अगर सुलझेगी तो सिर्फ तेरे हाथों से सुलझेगी। इंतखाब कर ले, चुन ले, पसंद कर ले दोनों हकदारों में से किसी एक को, और दूसरे से इनकार कर दे साफ साफ। मुझे यकीन है कि सुहेल और शिराजी तेरी मर्जी के आगे सर ना उठा सकेंगे। बोल, बता, तू किसे चाहती है, किसे पसंद करती है? एक गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटी किसी गैरतमंद ही को पसंद कर सकती है, और उन दोनों में से कौन ज्यादा गैरतमंद है ये हुजूर अब्बा अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या हम यकीन कर लें कि तू सुहेल से नफरत करती है? शराफत का डाकू, राजपूतियान पर सैकड़ों चक्के लगा चुकने के बाद भी मुझे अपना हमदर्द समझता है।
मुझ नाचीज की खातिर जो कुछ आपने किया तारीख उसकी गवाह रहेगी। मैं उससे नफरत करती थी, नफरत करती हूँ और नफरत करती रहूंगी उम्र भर, ये मेरा फैसला है। तो चल मेरी बच्ची, आज इस किस्से का खात्मा कर दे, चाक कर डाल उसकी मोहब्बत की कविता को अपने हाथों से, जिसने तेरी जिंदगी में एक तूफान बपा कर रखा है। रूही, आसमानी हूर तू यहां, बारे लहा ये ख्वाब है या आलम बिदारी? मैं तुमसे एक सवाल करने आई हूँ। मैं बगैर सुने जवाब दिए देता हूँ कि मैं तुम्हें खुदाए हुस्न समझता हूँ और बस। रूह में तू, दिल में तू, आंखों में तू, सांसों में तू, सुबह के अंगड़ाइयां लेते हुए जलवों में तू। ऐ मोहब्बत के मतवाले, अगर तू आशिक हकीकी है तो ये बता कि किसी शरीफ खातून के दो शौहर भी हुए हैं आज तक? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरा ध्यान भी छोड़ दे सुहेल, मैं किसी और की अमानत हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। सुहेल ने तुझे हासिल करने के लिए जन्नत बनाई थी और मुगल सल्तनत के वारिस ने खुश होकर तुझे मेरे हवाले कर देने का वादा किया। तो फिर खंजर निकाल और मेरे दो टुकड़े कर डाल, ताकि सुल्तान के दोनों वादे पूरे हो जाएं। इंसाफ सिर्फ मेरे हक में होने वाला है, मुझे यकीन है। जब इंसाफ करने वाला ही ना रहा तो कौन इंसाफ करेगा? तेरी जितने दो फरिश्तों की मोहब्बत में फौलाद की दीवार खड़ी कर दी है और अब वो दोनों अलग अलग तड़प रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है। याद रख, अगर सुल्तान आलम या मलिका आलिया को आंच भी आ गई तो तेरी रूही अपने खानदान की पेशानी पे बदनुमा दाग बन जाएगी। दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी, लानत भेजेगी ऐसी कि तेरी रूही का नूरानी हुस्न नासूर की पीप बनकर पीला पड़ जाएगा। कीड़े दौड़ते दिखाई देंगे तेरी रूही की नस-नस में और ये जिस्म। बस कर रूही, बस कर। तेरा परस्तार, तेरा शदाई तेरी ये हालत न देख सकेगा। मैं तुझसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं नहीं रोकती, मगर ऐसी मोहब्बत जैसे चकोर चांद से, बुलबुल फूल से, भंवरे की तरह रस चूस कर तुझे राहत न मिलेगी। रूही, वो रूही जिसे तू आसमानी हूर समझता है आज तेरी लौंडी बनकर भीख मांगती है। खुदा रा खात्मा कर डाल अपने हसीन ख्यालों का, खात्मा कर डाल अपनी दिलफरेब आरज़ुओं का, खात्मा कर डाल अपनी सुनहरी उम्मीदों का और बानुए हिंद और ताईदार हिंद की जान बचा ले, वरना याद रख उनके खून का इल्जाम भी तेरी गर्दन पर होगा। रूही, मेरी अच्छी रूही, मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं तेरे हर हुक्म पर अपना सर झुकाता हूँ। अब ताईदार हिंद और बानुए हिंद की जान बचाना मेरा फर्ज हो गया। सुहेल, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से किस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से किस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया।
ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। 22 तहरीर आके मैं सुहेल बिन अब्बास करमानी बाहोश हवा से खमसा सुल्तान मौज़्ज़म हुजूर साहेब फरां की इनायत करदा खातून रूही से हमेशा हमेशा के लिए दस्तबरदार होता हूँ और इकरार करता हूँ कि अब खातून रूही पर मेरा किसी किस्म का कोई हक नहीं रहा, लिहाजा ये इकरारनामा लिख देता हूँ ताकि सनद रहे। दस्तखत सुहेल बिन अब्बास करमानी बकलम खुद। सुहेल, माँ बदौलत ये जानना जरूरी समझते हैं कि तुमने ये इकरारनामा किसी जबर, असर, दबाव या खौफ से तो नहीं लिखा। सुल्तान आलम, गुलाम ने अपनी मर्जी से यह फैसला किया है। तुमने माँ बदौलत पर एहसान किया है, कुछ मुआवजा तलब करो। गुलाम किसी किस्म का मुआवजा नहीं चाहता। मरहबा, आफरीन। माँ बदौलत तुम्हारी शानदार कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। आओ कि हम तुमसे बगलगीर हो जाएं। मलका आलिया मुबारक हो, जो गुत्थी उलझी हुई थी वो खुदा की फजल से सुलझ गई है। सुहेल ने अपना दावा वापस ले लिया है, वो दस्तबरदार हो गया है और अब हजूर सुल्तान मौज़ूम आपके दीदार के लिए आ रहे हैं। मुमताज मेरे सरकार। मुमताज मलका आलिया बेहोश हो गए, मलका आलिया बेहोश हो गए, पानी ले, पानी, पंखा। मुमताज, मुमताज, हकीम साहब को बुलाओ, हकीम साहब को बुलाओ। मुमताज आंखें खोलो, मुमताज होश में आओ, मुमताज हकीम साहब अभी आया ही चाहते हैं। किसी हकीम या तबीब की जरूरत नहीं मेरे सरताज, हम जान गए हमारा आखिरी वक्त। मुमताज, मुमताज जाने, मुमताज अब हमें इजाजत दीजिए, वो देखिए जन्नत में नगमा सराइयां शुरू हो गई, फरिश्तों ने अपने सर झुका लिए, पूरे हमारे इस्तकबाल में खड़ी हो गई। हमें अकेला ही छोड़ जाओगी? मैं वहाँ भी आपका इंतजार करूँगी। खुशनसीब हूँ कि आखिरी वक्त पर आपके दीदार हो गए। एक इल्तिजा है। वो क्या? हुक्म दो, फरमाओ। मेरी मलिका, मेरी तमन्ना, मेरी मुमताज। मुमताज की आखिरी आराम का भी उतनी ही शानदार हो जितने कि उसे जिंदगी में नसीब हो। मेरा मजार हमारे मशहूर मोहब्बत का आईना, एक ऐसी यादगार हो दुनिया में जिसकी मिसाल रुए जमीन पर न मिले। तुम्हारी वसीयत शाहजहान पर कर्ज है मुमताज, इंशाअल्लाह मरने से पहले ही मैं इसे अदा कर दूंगा। शुक्रिया, और अब दुआ है
अल्लाह ताला आपको हमारे गम में सब्र अता फरमाए। अलविदा मेरे सरताज, मैं चली। की बेवक्त मौत ने हुजूर सुल्तान की खुशगवार जिंदगी का खात्मा कर दिया है। हरम सरा में उदासी छा गई है। रूही का मुहाफिज रंजो गम की तस्वीर बना बैठा है। मेरी मंशा है कि अब चंद दिनों के लिए रूही को वापस बुलवा लिया जाए। शिराजी की अमानत पर हमारा अब क्या हक रह गया है? हुजूर सुल्तान इजाजत नहीं देंगे। आखिर हमने भी तो उसे पाला है। मेरा ख्याल है मासूम बच्ची की दिलजोई के लिए इजाजत मिल जाएगी। तो फिर जरूर कोशिश कीजिए। ज्वाला सिंह, हमारी दुनिया लुट गई। मुगल सल्तनत का ताजदार सरनगुं हो गया। अब शाहजहां सिर्फ मुमताज की आखिरी वसीयत पूरी करने के लिए जी रहा है। खुदा करे एक ऐसा रोजा तामीर हो जाए जो मरहूमा की याद दिलाने के लिए दुनियाए मोहब्बत में कयामत तक जगमगाता रहे। मगर क्या
शिराजी मलिका मरहूमा की यह आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकेगा? सुल्तान मुअज्जम, शिराजी एक माहिर फन इंसान है, वो हुजूर की तमन्ना जरूर पूरी करेगा। आलम पना, शिराजी रौजाए ताज का नमूना बनाकर दर दौलत पर हाजिर हुआ है। हाजिर हो। आज शिराजी अपने फन का शाहकार जिल्ले सुभानी के हुजूर में पेश करता है और दावे के साथ कहता है कि यह दुनिया के अजायबात में शुमार होगा। इसमें शक नहीं कि यह बेहद खूबसूरत है, मगर मरहूमा की शान के शाया नहीं। शिराजी, फिर कोशिश करो। बहुत बेहतर। मेरे सरताज, मुमताज की आखिरी आरामगाह भी उतनी ही शानदार हो जितनी कि उसे जिंदगी में नसीब हुई। मेरा मजार हमारी मशहूर मोहब्बत का आईना हो, एक ऐसी यादगार हो दुनिया में जिसकी मिसाल रूए जमीन पर ना मिले। मुमताज, शाहजहां तुम्हारी वसीयत का कर्जदार है और इंशाल्लाह मरने से पहले ही ये कर्जा अदा कर दिया जाएगा। शिराजी रोजाए ताज का दूसरा नमूना लेकर हाजिर खिदमत हुआ है। पेश हो। ये शिराजी के फन की इंतहा क़िबले आला, हमें ये भी पसंद नहीं आया। शिराजी, कुछ और बनाओ। वो चीज नहीं जिसे हमारी बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। शिराजी, हम तुम्हें एक जबरदस्त और माहिर फन संतराज समझते थे, मगर हमें यकीन हो गया कि तुम हमारी आरजुओं को पूरा न कर सकोगे। काश आज मैं बादशाह होने की बजाय एक संतराज होता। आज गुलाम साहब करां के दुख भरे दिल की गहराइयों को टटोलने में नाकाम हो गया और उस गम से भी ना आशना रहा जो हुजूर सुल्तान मलक मरहूमा की जुदाई में उठा रहा। और ये हकीकत है कि दुनिया में कोई चीज शाहकार नहीं बन सकती जब तक कि उसकी बुनियाद मोहब्बत के आंसुओं पर न रखी जाए। मुझे यकीन है कि रौज़ा ताज का नमूना कोई नाकाम मोहब्बत ही बना सकेगा जिसका शीशे दिल महबूब की जुदाई में हुजूर की तरह चकनाचूर हो चुका हो। इसे कबूल कर लो बेटा, ये तोहफा सुहेल ने भेजा है। क्या चीज है माँ? दोनों जहां की दौलत, इतना बड़ा खजाना। ये सुहेल के पाक के साथ की दलील है माँ, उसे अंदर बुला लो। ऐसे फरिश्ते का दीदार बाई से बरकत है, बुला लो, फौरन बुला लो माँ। अंदर आ जाओ बेटा। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने ये तोहफा देकर मुझे दोनों जहां की बादशाहत बख्श दी। बैठिए, बैठ जाइए। रूही, बेटा रूही। आई अब्बा हुजूर, आई। फरमाइए। आज हम अपनी पुत्री से कुछ मांगने आए हैं। उम्मीद है मायूस न करोगी। खुदा न करे, मेरी तो जान भी हाजिर है हुजूर अब्बा। तेरी जान ही की जरूरत है बेटा। शिराजी को रौजा ताज के नमूने की बुनियाद
तेरी लाश पर रखनी पड़ेगी। तो फिर मुझे कोई मार डाले, फौरन मार डाले। मलका मुअज्जमा की वसीयत के मुताबिक अगर रोजा ना बना तो हुजूर साहिब तरह पर बोझ रहेगा। यकीनन बोझ रहेगा। मैं शौक से मरने के लिए तैयार हूँ बाबा, तीर कमान उठाइए और मुझे जल्दी से हलाक कर दीजिए। तो फिर पर्दे की आड़ में खड़ी हो जा मेरी बच्ची, ताकि जिन हाथों ने तेरी परवरिश की है तीर चलाते समय ढीले न पड़ जाए। आज हम अपने प्यारे बादशाह और मलिका की खातिर अपने लफ्ते जिगर को कुर्बान करेंगे। चिल्ला चढ़ाइए, मैं तैयार हूँ। मेरा सीना आपके तीर की जद में है, चलाइए तीर। होशियार। मार डाला तुमने रूही को, मार डाला ज्वाला सिंह। राजपूतों की आन का खात्मा कर दिया, साहेब करां की शान को बर्बाद कर दिया। तुमने हमारे इंसाफ का गला घोट दिया, मरहूमा की ख्वाहिश को कुचल दिया। वजह बयान करो कि तुम्हें फांसी की सजा क्यों ना दी जाए। कानून की निगाह में ज्वाला सिंह कातिल है और उसे फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। क़िबला आलम, मत समझो कि तुमसे रियायत बरती जाएगी। आंख का बदला आंख और जान का बदला जान, ये हमारे कुरान का हुक्म। गुलाम हर सजा के लिए तैयार है, इंसाफ सुल्तान मुअज्जम के हाथ में है। मां बदौलत फांसी का हुक्म सादर फरमाने से पहले ये जानना जरूरी समझते हैं कि तुमने रूही का कत्ल किस इरादे से किया। वो कौन सा जज्बा था जिसने बाप के हाथ बेटी के खून में रंग दिए? जज्बे वफादारी, मुल्क और बादशाह से वफादारी। सुल्तान मुअज्जम का गम समझाने के लिए शिराजी के दिल को ठेस लगाना बहुत जरूरी था दिल्ले सुभानी, और गुलाम ने वफादारी के जोश में हक नमक अदा किया। ये वफादारी नहीं, एक किस्म की गद्दारी है। तुमने शिराजी की अमानत का खात्मा करके मां बदौलत को दुनिया की निगाहों में हकीर कर दिया है। आज तुम्हारे जुर्म की सजा मौत है, और सिर्फ मौत। मौत, रूही की मौत, बाप के हाथों बेटी का खून। उफ, ये जुल्म किया सितम। इस मनहूस खबर के सुनाने से पहले तुम्हें मौत क्यों ना आई? तुम लोग मैजल क्यों ना बन गए? आए काश, आए काश सजा का तीर मेरे सीने में भी उतर जाए, मौत आ जाए मुझे भी। हाय दर्द चश्मे ज़दन सोहबत यार आफर शु, रूए गुल सैर न दीदे मो बहार आफर शु। आज शिराजी के पर नोश डाले किसी, लुट गई जिंदगी या करीबुल वतन की। सुल्तान मौज़म, आज मैंने हुजूर का गम पा लिया। आज मैंने साफ तरह के दर्द को महसूस कर लिया। आज मैंने शहनशाह के शिकस्त दिल की आवाज सुन ली। बन गया वो शाहताज जिसे ताजदार हिंद की बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। यही है मुमताज जमाने की संग मरमर से बनाए जाने वाली आखिरी आरामगाह। यही है वो हसीन शाहकार जिसे हमारी बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। यही है वो हसीन ख्वाब जो शाहजहां ने मरहूमा मुमताज की याद में देखा था। बुलाओ इसके खालिक को, बुलाओ उस अजीब और गरीब इंसान को, बुलाओ जिसका तसव्वुर हमारे तसव्वुर से टकरा गया, जिसके मुबारक हाथों ने इस हसीन यादगार को तराशा। क़िबला आलम, इसका कारीगर, इसका खालिक सरजमीन हिंद को छोड़कर चला गया। चला गया? हमारे मुल्क से चला गया, बगैर मुलाकात के चला गया, बगैर इनाम इकराम के चला गया। ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। रोक लो उसे, फौरन रोक लो। मुमताज, ये रोजा संग मरमर की जबान में हमारी मशहूर मोहब्बत की दास्तान हमेशा हमेशा दुनिया वालों को सुनाता रहेगा। तुम्हारी याद में शाहजहां की आंख से टपका हुआ ये वो आंसू है बानो, जो दुनिया के रुखसार पर कयामत तक जगमगाता रहेगा। एक फरियादी दरे दौलत पर हाजिर है, पेश हो। खातून, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ आने का सबब? अंदाता, मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि एक बदनसीब राजपूत नारी
अपने पति की मौत के बाद दुनिया में किसके सहारे जिंदा रह सकती है? हमारा ईमान है कि औरत हो या मर्द, सहारा टूट जाने के बाद जिंदा नहीं रहते। हम भी है खातून एक जिंदा लाश। प्रजापति, जब आपका दर्द भरा दिल किसी दुखिया की विपता पर रो सकता है तो उसकी फरियाद क्यों नहीं सुनते? जरूर सुनेंगे, और अगर मुमकिन हुआ तो तुम्हें अपनी मजलूम बहन समझकर इमदाद भी करेंगे। तो मेरे पति को आजाद कर दो राजन, मैं भीख मांगती हूँ उनके जीवन की, वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम सरदार ज्वाला सिंह के बारे में कह रही हो? वो मेरी मांग का सिंदूर और जीवन का आधार है अन्नदाता। एक कातिल कि जिसने अपनी बेटी का खून बगैर किसी वजह या सबब के बहा दिया हो, सिर्फ फांसी का मुस्तहिक है। उन्होंने रूही को कत्ल नहीं किया राजन, रूही जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत, भली चंगी। जिंदा है तो क्या उसकी मौत के चर्चे बेबुनियाद हैं? बिल्कुल बेबुनियाद, सरासर झूठे। रूही हुजूर को मुजरा बजा लाने के लिए मेरे साथ आई है। साथ आई है? जी बेटा रूही, आओ अपने बादशाह के हुजूर में सलामत करो। बंदी आदाब बजा लाती है जिंदे सुभानी। रूही तुम हयात हो, जिंदा हो तुम, ये क्या मौजज़ा है, ये क्या करिश्मा है, ये क्या राज। इसे राम रखे उसे कौन रखे, हुजूर सुल्तान के वादे की लाज रखी भगवान ने। तो क्या ज्वाला सिंह का तीर खाली गया? राजपूत का तीर खाली नहीं जाता अंदाता। तो फिर कौन हलाक हुआ? मेरा छठा बच्चा। क्या नाम था उस सूरमा का? सोहेल। सोहेल अंदाता, जिस तरह इस कोख से जन्म लिए हुए मेरे पांच बेटे मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सत्ते उतर गए, ठीक उसी तरह सोहेल ने भी अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने की खातिर जान दे दी और कमान से निकले हुए तीर को ढाल बनकर अपनी छाती पर ले लिया। वो मरकर अमर हो गया है राजन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहीद हो गया है, बख्शा गया है, आजाद हो गया। हमें जितना गम उसकी मौत का है, उतनी ही खुशी उसकी अजीम शान कुर्बानी की। खुदावंद नेमत शिराजी दर दौलत पर हाजिर है, उसे अंदर बुलाओ, हम उसकी अमानत उसे सौंपना चाहते हैं। बेटा तुम पर्दे में चली जाओ और बहन तुम भी। नसीब मुसाफिर खिदमत अकदस में सलाम अर्ज करता है। शिराजी, वो क्या खता थी हमारी जो तुम रूठ कर चल दिए? खता मेरी थी जहां पना, न हिंदुस्तान आता, न आज अपने अरमानों की लाश पे गोरो कफन देखता। माज़ल्लाह, हम अपनी ठुकराई हुई जिंदगी को शिराजी का सहारा देकर मलिका मरहूमा की यादगार बनाना चाहते थे, मगर अफसोस हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी होती दिखाई नहीं देती। मुमताज के रोजे का नमूना जिन हाथों से बनाया है, उन्हें आगे बढ़ाओ कि शाहजहां चूम। खुदावंद नेमत, मैं गुनाहगार हो जाऊं। तुमने इस बेमिसाल नमूने को बनाकर मुगल सल्तनत के बानी जन्नत मकानी जहीरुद्दीन बाबर की औलाद पर अजीम शान एहसान किया। कसम है हमें खुदाए वहद की, हमने मरहूमा की याद में यही ख्वाब देखा था और यही थी हमारी मुमताज की आखिरी वसीयत। तुमने हूबहू वही नमूना बनाया है जिसका हमें इल्हाम हुआ था। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं शिराजी, एक छोटा सा तोहफा हमारा भी कबूल करते जाओ। लो ये कंगन। कंगन? रूही की लाश से उतारा हुआ कंगन? नहीं, रूही के सुहाग का कंगन। दुल्हन का दूसरा हाथ आज तक खाली है, उसमें भी कंगन डाल दो। सुल्तान मौजूद, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हैरान क्यों होते हो भाई, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ, अपने फर्ज से सुबकदोश हो रहा हूँ। बहन
दुल्हन का हाथ बाहर निकालो, दूल्हा मियां आए हैं। रूही, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र, तूने आज हमारे वादे की लाज रखी। आखिर वो दिन आ ही गया जब मलकाए मरदूमा की वसीयत के मुताबिक बादशाह ने ताज बनाकर मुमताज की मोहब्बत का कर्ज अदा किया। ताज मोहब्बत के दामन में कोहनूर हीरे की तरह जगमगाता हुआ ताज, ताज एक शहंशाह के ख्वाब मोहब्बत की जीती जागती ताबीर, ताज मुमताज की याद में शाहजहां की आंख से टपका हुआ एक आबदार मोती, 20 साल की मुद्दत में 20 करोड़ की लागत से दुनिया का 7वां अजूबा ताज रोज़े मुमताज महल आगरे में तैयार हुआ। शिराजी ने बादशाह के लिए और भी शानदार इमारतें बनाई और अब वो अपनी रफीक़े हयात खातून रूही के साथ ईरान वापस जा रहा है। खुदा हाफिज़ वाहरी जाफिज़ा।